नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बा में डाबर कंपनी के नाम से तैयार हो रहे लाखों की कीमत के नकली प्रोडक्ट बरामद किए गए हैं। कंपनी के मुंबई से आए जांच अधिकारी की सूचना पर पुलिस फोर्स ने गली में मकान में चल रही नकली फैक्ट्री पर छापा मारकर माल बरामद किया। हालांकि पुलिस की छापेमारी की भनक मिलते ही काम कर रहे लोग पीछे के रास्ते से भाग निकले। एक लड़के को हिरासत में लिया जा सका, जिसे पूछताछ जारी है। लाखों का नकली माल धड़ल्ले से स्थानीय मार्केट में खपाया जा रहा था। डॉक्टर गुलाम सईद अस्पताल के पास डाबर कंपनी के लेबल लगे सीसी स्टिकर बनाकर बच्चों व बड़ों की मालिश के लिए तेल, चाय पत्ती सहित दर्जनों प्रकार के नकली सामान तैयार करके मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। इसकी सूचना डाबर कंपनी के मैनेजर नवीन झा द्वारा मुबारकपुर पुलिस को दिए जाने पर फोर्स ने छापा मारकर लाखों रुपए के नकली प्रोडक्ट बरामद करने के साथ ही पूछताछ के लिए एक लड़के को हिरासत में भी ले लिया है। इस डुप्लीकेट कंपनी के जरिए नकली सामान तैयार करके लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। इस फर्जीवाड़े का सरगना फरार बताया जा रहा है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है। मैडम नवीन कुमार झा है, वो डाबर कंपनी से हूँ। यहाँ हम लोगों को खबर मिली थी कि हमारे तेल जो मार्केट में बिकती है बढ़िया, उसकी डुप्लीकेसी हो रही है। जो कि यहाँ पे जो हमारा स्टॉकिस्ट है, उसका माल बिक नहीं रहा था, उसका माल उसके गोडाउन में ही था, लेकिन बाजार में धड़ल्ले से डुप्लीकेट माल बिक रही है। कस्टमर का कंप्लेन गया हमारे कंपनी को, उसके बाद हम लोगों ने छानबीन की, सर्वे किया मार्केट में, तो कई जगह पर हम लोगों को डुप्लीकेट सामान मिला। उसके बाद हम लोगों ने पता किया कि कहाँ से आ रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है। ये छानबीन करते करते हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पे किस तरह से मशीन के थ्रू बनाया जा रहा था या मतलब कहीं से मंगाया जा रहा था? नहीं, इसके अंदर रैपर कंपनी की यूज की जा रही थी, बॉटल कंपनी की यूज की जा रही थी। उसके अंदर जो तेल भरा जा रहा था वो डुप्लीकेट एकदम से निम्न स्तर की तेल पाई गई है। यानी कंपनी को बैक ग्राउंड से किया जा रहा था, कंपनी को बदनाम करने की। कंपनी को बदनाम करने की क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? इसके बाद कॉपीराइट ट्रेडमार्क की कार्रवाई होगी। जो आदमी है उनके 500 का केस होगा। कितनी मात्रा में होगा सर? ये करीब अंदाजा लगाया जाए तो करीब 4-5 लाख की वैल्यू है। उससे ज्यादा की होगी, लेकिन कम से कम 4-5 लाख से ऊपर की सामान है ये। जो इस तरह से धंधा कर रहा तो पकड़ा गया है? नहीं, अभी तो पकड़ा नहीं गया, उसकी छानबीन चल रही है। मेरा नाम नवीन कुमार झा है, मैं मुंबई से आया हूँ। हमारी कंपनी के डुप्लीकेट सामानों वगैरह। कौन सी कंपनी के डुप्लीकेट? डाबर इंडिया लिमिटेड के। आप क्या हैं डाबर कंपनी में? मुख्य जांच करता हूँ सर। अच्छा, मुख्य जांच करता के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं पता चला था कि हम इस क्षेत्र में, मैं डाबर कंपनी के नाम से जो तेल बिक रही है वो नकली है। ये जानकारी आपको कैसे पता लगी? बाजार से कोई कस्टमर के कंप्लेन गई हुई थी। तो पहले हम लेते थे, वो क्वालिटी अभी नहीं मिल रही है। अच्छा। तो इसकी छानबीन हुई बाजार में। ये सूचना आपको कितने दिन पहले मिली थी? ये कुछ 3-4 महीने पहले। अच्छा, फिर आप कैसे यहाँ तक पहुँचे? तो उसके बाद हमारी एक टीम आई हुई यहाँ पे, पूरा छानबीन की, यहाँ से बाजारों में देखी तो देखी कि मतलब सही में ओरिजिनल माल कम बिक रहा है, डुप्लीकेट माल ज़्यादा बिक रहा है। तो जिसके सैंपल हम लोगों ने कंपनी भेजी, लैब टेस्ट करवाई, उसमें गलत पाया गया। उसके बाद हमने और छानबीन की, मतलब कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कौन कर रहा है। तो छानबीन करते करते हम फलाने जगह पर पहुँच गए उनके मकान में, वहाँ से माल सप्लाई हो रही थी बाजार में। अच्छा, क्या क्या उनके पास बरामद हुआ है? पुलिस ने आज पुलिस पहुँची थी मौके पर छापा। हाँ, तो क्या क्या बरामद हुआ? पुलिस बल के साथ वहाँ पर छापेमारी की गई, जिसमें कि मतलब भारी मात्रा में डाबर के तेल, मैरिगो कंपनी के तेल, निहार पैरासूट तेल, टाटा चाय पत्ती सब बरामद की गई।